दोस्तों नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं अभी हूं जगदीशपुर के HDFC बैंक के नए वाले ब्रांच में, जो कि बस अड्डे के पास से यहां आ गया है। और मेरे जेब में देख रहे हैं एक लिफाफा। इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है, इसमें NOC है बाइक की, और मैंने एक लोन लिया था, गलती से लिया था। इस बैंक ने बहुत तंग किया है, आज जाके पीछा छूट गया है। इसके बारे में जो डिटेल है वो मैं घर चल करके बहुत डिटेल में आपसे बात करता हूँ। दोस्तों ये वाली बाइक देख रहे हैं, शायद अगर आप लोगों ने पहले कोई वीडियो देखा होगा तो इस बाइक को ज़रूर देखा होगा। और ये बाइक है रॉयल एनफील्ड की, हिमालयन है, 411 सीसी है। इसको हमने 2021 में परचेज किया था। अच्छा, छोटी मोटी बाइक थी भी नहीं, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बाइक बड़ी थी। तो इस बाइक को ख़रीदने के लिए हम वो सारे बैंक गए थे, पता किए थे, क्योंकि ये बाइक करीब 3 लाख से ऊपर की बैठ रही थी। तो इसका लोन भी करवाना था, और लोन करवाने के लिए एक बार ये ज़रूरी होता है कि सारे बैंकों से आप पता कर लें किस बैंक से किस रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा नाता जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है, तो स्टेट बैंक इंडिया भी गए थे हम। और वहाँ जो हमें इंटरेस्ट रेट बताया गया था करीब 14-15% बताया गया था। BOB में भी अच्छा रिलेशन है, तो वहाँ से भी हमने बात किया था मैनेजर से, उन्होंने भी कहा कि आपका कोई 12-13% बैठेगा। अच्छा, जहाँ से बाइक हमने ली, जैसा कि आप लोगों को ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जगदीशपुर से मैंने ली है, अमेठी ज़िले में। तो वहाँ पर जो एक एजेंट भी, मतलब रॉयल इनफील्ड की जो एजेंसी होती है उसमें एक एजेंट भी बैठे होते हैं, बैंक के एजेंट, क्योंकि छोटी मोटी बाइक आजकल बुलेट कुछ भी लीजिए तो 2.5 लाख से ऊपर की बैठती है, और मैक्सिमम लोग जो है 80-90% लोग फाइनेंस करा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो भाई हम भी ले लेते हैं। तो हमने बात किया तो उन्होंने कहा 9.5% इंटरेस्ट रेट पर है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, HDFC बैंक हमें 9.5% पे दे रहा है, और बैंक ऑफ बड़ौदा हमें यही बाइक पर जो लोन है वो हमें 12-13% दे रहा है, और स्टेट बैंक हमें 14-15-16% दे रहा है। तो हमने बाइक को फाइनल कर लिया कि ठीक है 9.5% रहेगा, हम ले लेते हैं। तो वो जो उन्होंने सारे टर्म्स कंडीशन HDFC बैंक के जो एजेंट हैं उन्होंने जो बताए, उन्होंने, मैं सारे उसकी बात कर लेता हूँ। इंटरेस्ट रेट 9.5% बताया, और मैंने ये पूछा कि क्या बाइक का लोन मैं पहले जमा करना चाहूँ तो जमा कर सकता हूँ। हाँ बोले, बिल्कुल जमा कर सकते हो। और मैंने कहा कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा अगर 6 महीने 2 महीने बाद हो जाए तो क्या मैं जमा कर सकता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल जमा कर सकते हो। अच्छा ठीक है, लोन हो गया, बाइक को एक चलाए और खूब हमने खुश रहे, एकदम खूब मतलब यात्रा भी कर ली और सब सारी चीज़ें। करीब 7-8 महीने के बाद मेरे पास करीब 1 लाख रुपए का इंतज़ाम हो गया, मैंने 2.5 लाख रुपए इस पे जो है फाइनेंस कराया था। अच्छा, इसमें और भी सुन लीजिए कि जो बाइक का मैंने फाइनेंस कराया था, ये बाइक का हिमालयन का, उसमें उन्होंने रॉयल इनफील्ड को 2,47,000 रुपए भेजे, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखाया 2,54,000 रुपए दिखाया उन्होंने। तो उसमें प्रोसेसिंग फीस और इसका ज़बरदस्ती लोन का इंश्योरेंस भी किया, वो सारे चार्जेज वगैरह जोड़ करके, हाइपोथिकेशन वगैरह क्या क्या रहता है वो सब, 2,47 का रॉयल इनफील्ड को दिया, और आउटस्टैंडिंग हमसे जो है 2,54, मतलब वो दिखाता है, सिस्टम में दिखाता है। जैसे ही करीब मतलब 6 महीना या 8 महीना होता है, 1 साल से पहले मैंने सोचा कि लाओ 1 लाख रुपए मैं जमा कर देता हूँ। तो 1 लाख रुपए मैं जमा करने के लिए भाई मैंने क्या किया कि स्टेट बैंक में सीधे मैंने अकाउंट नंबर थर्ड पार्टी जैसा होता है ना, ऐड करके 1 लाख रुपए भेजा, और पैसा तो चला गया, दूसरे दिन या उसी दिन शाम को वापस आ गया। तो मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर बैंक जाके पता किया तो मैनेजर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भैया आप इसमें पैसा नहीं जमा कर सकते, एजेंट बताया था कि पार्ट पेमेंट कहते हैं, पार्ट पेमेंट आप कर सकते हो। और पता चला 8 महीने बाद 1 लाख रुपए वापस आ गया और पेमेंट हुआ नहीं, बोले आप इस लोन में पैसा एक्स्ट्रा जमा नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, वो भी हो गया। अब उसके बाद मेरे दिमाग में आ गया कि फिर एक दिन ऐसे बैठा था, मन के लाओ इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके देखता हूँ कितना बैठता है। इंटरेस्ट रेट भाई जब कैलकुलेट किया ना तो मेरे कान खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए मैं बताता हूँ आपको। जो इंटरेस्ट रेट आया वो 15% का आया,
9.5% बताया गया, तो फिर जाके फिर ब्रांच मैंने पता किया कि भाई आपने तो 9.5% कहा था, 15% चार्ज हो रहा है। तो दोनों शर्तें देखी टूट गई। जो एजेंट ने हमें बताया कि पार्ट पेमेंट भी हो जाएगा, पार्ट पेमेंट भी नहीं हुआ, इंटरेस्ट रेट 9.5% बताया था, 9.5% की बजाय इंटरेस्ट रेट जो है 15% चार्ज कर लिया। अच्छा, अब लोन क्लोजर की बात आ गई। एक साल के अंदर तो लोन क्लोज कर नहीं पाया मैं, तो एक साल के बाद जब इसका लोन क्लोज करने वाली बात आई, ठीक है, अब मेरे दिमाग में ये आ गया कि मुझे इस बाइक का भाई लोन क्लोज करना ही करना है किसी तरीके से, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा शोषण हो रहा है। तो मैंने बात किया कि भाई मैं पूरा लोन अगर जमा कर दूं तो क्या होगा। उन्होंने ये बताया कि आपको 8% प्री क्लोजर चार्ज या लोन क्लोजर पेनाल्टी लगेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोन क्लोज करते हैं तो आपका जिस दिन क्लोज करेंगे वो आगे के पूरे जो 3 साल का, इसका मतलब उन्होंने लोन कर रखा, पूरा इंटरेस्ट रेट वसूलने वाले हैं। तो वो भी वहाँ भी निराशा हाथ लगी भाई, पता चला कि हम लोन आज क्लोज कर रहे हैं 2 साल पहले और 3 साल का पूरा ब्याज वसूल रहे हैं। तब दिमाग में आ गया कि भाई इसका लोन क्लोज कर देना है। और अंततः लोन क्लोज जब 1 साल बाद गए तो 6% का लोन क्लोजर चार्ज लगा दिया। मेरी कोई भी ईएमआई इसकी जो है मतलब ड्यू नहीं गई है, या उसका जो है मतलब पेमेंट ऐसा नहीं हुआ कि टाइम से ना गया, सारा पेमेंट सही समय से गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने लोन को क्लोज कर दिया, ठीक है, बात हुई, बड़ा HDFC बैंक केयर होता है, वहाँ पे मैंने मैसेज किया, जैसे तैसे बड़ी बातचीत करके, इसमें श्याम वर्मा जी का भी नाम आता है, उन्होंने बड़ा सहयोग किया और लोन क्लोजर करने के लिए बड़ी हेल्प करी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपका माफ़ करा देंगे भाई, लोन क्लोजर चार्ज जो होता है लोन क्लोजर चार्ज 1 साल के बाद वाला 6%, उन्होंने पूरा का पूरा माफ़ करा दिया। तो लोन का हमने जमा कर दिया भाई। लोन जमा करने के बाद आज के 10 दिन पहले की बात है, और आज हो रही है 15 तारीख हो रही है ना, आज 15 तारीख हो रही, 15 मार्च हो रहा है, 6 मार्च को मैंने लोन इसका क्लोज किया, फरवरी में, फरवरी 2023 में 4 या 5 फरवरी को लोन क्लोज हो गया था। पता चला कि 6 मार्च को किस्त कटती है, लोन क्लोज होने के बाद किस्त कट गई, मेरे फिर से मतलब पसीने पसीने आ गए। सोच सकते हो मेरी स्थिति क्या होगी, एक तो मेरे पास पैसे नहीं और अचानक से 9,000 रुपये की किस्त कट जाए जेब से लोन क्लोज करने के बाद, तो और दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने मन बना लिया कि भाई अब कोर्ट मुझे जाना ही जाना है, और उससे पहले मैंने HDFC बैंक को एक मैंने जो है ट्विटर पे ट्वीट किया कि ड्यू टू योर बैड सर्विस आई एम गोइंग टू कोर्ट प्रोसीजर अगेंस्ट यू। फटाफट भाई पता चला क्या हो गया, तहलका मच गया, मैसेज और ये वो सब क्या हुआ, मैंने सारी चीज़ें उसी ट्विटर के माध्यम से बताई। तो फिर अब वहाँ से फ़ोन आने लग गए, फिर जा करके उन्होंने बोला कि वो गलती से हुआ है या जो भी हुआ है सिस्टम की वजह से हुआ, क्या सिस्टम, प्राइवेट बैंक का क्या सिस्टम भाई मैं नहीं बता सकता, लेकिन सरकारी बैंक में लोन क्लोज का मतलब क्लोज होता है, अगली EMI आपकी कटेगी नहीं, लेकिन प्राइवेट बैंक में ऐसा नहीं होता, कुछ भी वो अपने हिसाब से वो रूल रेगुलेशन को तोड़ मरोड़ को जैसे चाहें वैसे कर लेते हैं। तो भाई HDFC बैंक का लोन क्लोजर का लेटर है ये, लोन ये क्लोज हो गया है। मैं जीवन का पहला प्राइवेट बैंक से लोन था और यह अंतिम लोन है। मैं कभी ज़िंदगी में प्रयास नहीं करूँगा कि कभी प्राइवेट बैंक से, सरकारी बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्राइवेट बैंक से कोई भी सर्विस, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे पर्सनल लोन हो, या बाइक का लोन हो, या कार का लोन हो, मैं तो नहीं लेने वाला। और अगर आप लोग भी ले रहे हैं तो हर चीज़ को, टर्म्स कंडीशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा, और उसके टर्म्स कंडीशन को अच्छे से साइन करवा लीजिएगा तभी लीजिएगा, अदरवाइज मेरी तरह आप परेशान होने वाले हो। और अगर पढ़ा लिखा वाला आदमी नहीं है तो उसको और समस्या होने वाली है। तो इस बाइक में भाई बहुत झेलना पड़ा है, जहाँ से बाइक खरीदी है, ये पैनियर जो है, पैनियर में 20% का डिस्काउंट, ये 32,000 की डिग्गी 2 ठो लगी है, ये जो डिग्गी दोनों साइड में लगी है 32,000 की डिग्गी है, इसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो आप बाइक अगर ख़रीदते हैं तो ऐसी जगह से खरीदिएगा भाई जहां मतलब 2-4-6 जगह पता कर लीजिएगा, जैसे लोन का मामला होता है वैसे
बाइक जब खरीदते हैं दो चार छह जगह से पता करके ही लोन वगैरह लीजिएगा, जिससे आपको समस्या ना हो। तो इसमें 6,000 का डिग्गी में नुकसान, 1,300 रुपये का और एक कोई पार्ट्स कहा था उन्होंने देने के लिए, वो भी नहीं दिया, तो वो भी हमारा चला गया, वो भी नुकसान हो गया भाई। तो अंततः अब ये बाइक का लोन जो है क्लोज हो गया है। यह है लोन क्लोजर लेटर है हमारे पास, और यह है नो ऑब्जेक्शन NOC जिसे कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, और फॉर्म 35, क्योंकि हाइपोथिकेशन जो है अभी इसके उस पे रजिस्ट्रेशन पे चढ़ा हुआ, उसको रिमूव करना होगा, तो उसके लिए ये लेटर दिया हुआ है भाई। तो क्या बताएं, बहुत झेलना पड़ा है, और सिर्फ एक गलती की वजह से मुझे स्टेट बैंक में आज तक कभी कोई समस्या नहीं आई, और या किसी सरकारी बैंक में कोई समस्या इस तरह की नहीं आती है जितनी प्राइवेट बैंक में आती है। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर आप कभी लोन ले रहे हैं, 2% महंगा मिले, आप सरकारी बैंक से लीजिएगा कोई भी लोन हो, और अपने रिलेशन भी उसी से ज़्यादा अच्छे रखिए। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। आशा है कि आप आने वाले फ्यूचर में अगर कभी कोई ऐसा आपके साथ समस्या होती है, तो समस्या होने से पहले, लोन लेने से पहले, समस्या होने से पहले जो है आप संभल जाइएगा, और अगर कोई समस्या है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। और वीडियो कहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, और हेलमेट पहन के चलिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।